अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जुल्की ट्रैवल्स। आज हम बात करेंगे कतर के बारे में। दुनिया का सबसे अमीर मुल्क कतर 3 सितंबर 1971 में बरतानिया से आज़ाद हुआ। कतर की ज़मीनी बॉर्डर सिर्फ सऊदी अरब से लगती है, जबकि दूसरी तरफ इसके मुत्तहिदा अरब अमारात है। कतर की सरकारी ज़बान अरबी है। कतर के हर शहरी की आमदनी तकरीबन $2,00,000 है। कतर 2011 में नाटो में शमूलियत अख्तियार की। आबादी के लिहाज से कतर का दुनिया में 158 नंबर है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है और सबसे बड़ी सिटी भी यही है। कतर के गैस के ज़खायर बहुत हैं, जो दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है। कतर में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है। 2016 में 30 लाख लोगों ने कतर की सैर की। कतर वो वाहिद मुल्क है जिसका कोई भी शहरी गरीब नहीं है। कतर के तीनों तरफ समंदर है। सीधे सींगों वाला नील गाय कतर का कौमी जानवर है, जबकि शाहीन इसका कौमी परिंदा है। कतर के लोग फुटबॉल बहुत शौक से खेलते और देखते हैं। कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी कर रहा है और इसकी तैयारियां ज़ोर और शोर से कतर में जारी हैं, जिस बिना पर उसने कतर में बहुत से स्टेडियम भी बनाए हैं। कतरी रियाल पाकिस्तानी 31.50 रुपये का एक बनता है। सिंगापुर के बाद कतरियों को अरबपतियों का देश भी कहा जाता है। कतर का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए फ्री है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।